हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एग्जाम लेकर पर। तो दोस्तों, आप किसी ना किसी एग्जाम की तैयारी तो जरूर कर रहे होंगे, उसी में से एक सब्जेक्ट होता है रीजनिंग। दोस्तों, अगर रीजनिंग में आपको अच्छा स्कोर करना है तो दोस्तों आपको ये जो 26 लेटर होते हैं ए से जेड तक, इनके नंबर आपको जरूर याद होने चाहिए, क्योंकि अगर आपको इनके नंबर याद नहीं होंगे इन लेटर के, तो दोस्तों आप रीजनिंग जल्दी से जल्दी सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों इसी वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, आपको याद करवाने वाले हैं कि ए से जेड तक आप इन सभी लेटर के नंबरों को कैसे याद रखोगे। दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देख ली तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपको ये सारे लेटर के नंबर इस वीडियो में ही याद हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि ये एक का होता है एक, बी का होता है दो, सी का होता है तीन, और जैसे डी का होता है चार। तो दोस्तों, इन चार नंबरों को याद करने के लिए आपको किसी ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये शुरुआत के चार नंबर तो हर किसी को याद हो जाते हैं कि ए का एक, बी का दो, सी का तीन और डी का चार। और दोस्तों, सबसे नीचे आते हैं ये जेड, क्योंकि अंग्रेजी वर्ड वाला में 26 लेटर होते हैं, तो ये जो जेड नंबर ये लास्ट में है, यानी कि ये 26 नंबर ही है, इस लेटर का नंबर 26 है, क्योंकि 26 ही तो लेटर होते हैं और लास्ट में नंबर 26 है। अब दोस्तों, इन सभी बाकी के लेटर को आप कैसे याद रखोगे, इसके लिए ट्रिक बताता हूँ। दोस्तों, ध्यान से देखना और इन लेटर को इमेजिन करना, क्योंकि जब आप इमेजिन अच्छे से कर पाओगे तभी इनको आप अच्छे से क्लियर कर पाओगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर एक ट्रिक है, ई जे ओ टी वाई, इजोटी, आप इन लेटर को याद रखना। इजोटी, यहाँ पर आपको टेबल पढ़नी होगी, यानी कि एक पाड़ा, पाड़ा पढ़ना होगा आपको, पाँच का, पाँच एकम पाँच, पाँच दूनी दस, पाँच तीया पंद्रह, पाँचों को बीस और पचम 25। इजोटी में दोस्तों यहाँ पर ई का नंबर 5 हो गया, जी का 10, ओ का 15, टी का 20 और वाई का 25। यानी कि दोस्तों आपको ये बस इजोटी वर्ड आपको याद रखना होगा, इजोटी मतलब ई जे ओ टी वाई, इसमें 5, 10, 15, 20, 25। दोस्तों आपको इनको एक तरीके से पाड़ा पढ़ के याद कर लेना है कि इजोटी में ई का 5, जी का 10, ओ का 15, टी का 20 और वाई का 25। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखते हैं अगला नंबर, तो ई आया, तो यहाँ पर आप ई का नंबर देख सकते हो 5 नंबर है। ठीक है, तो अब यहाँ पर 5 लिख दो। अब यहाँ पर आ रहा है आपका एफ, तो दोस्तों अब आप इसको कैसे याद रखो, दोस्तों अच्छे से इमेजिन करना। दोस्तों, अगर हम इस एफ में इधर को एक एक ऐसा कर दें, तो इसका शेप अगर पलट कर रखें, ये आपको 6 का शेप ले रहा है ना, अगर इसको हम पलट देंगे तो ये 6 जैसा दिख रहा है ना, कुछ ऐसा दिख रहा है ना, तो ये एफ का नंबर हो गया आपका 6। अब जी नंबर, इसको कैसे याद रखेंगे, तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये आपको 7 जैसा नहीं दिख रहा है, ये देखो 7 जैसा दिख रहा है ना, ये दिख रहा है ना 7 जैसा, तो इसका नंबर हो गया 7, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एफ एफ को हमने इधर कर दिया, तो ये अगर उल्टा करें तो इसका शेप 6 जैसा दिख रहा है, तो ये हो गया 6 नंबर। और इधर जी नंबर पे, जी का इधर ये देखो यहाँ पर ऐसा कर दें तो ये 7 जैसा आकर दिख रहा है जी में, क्योंकि जी में ही 7 नंबर छुपा हुआ है, जी का 7। ठीक है, तब इस एच को कैसे याद रखेंगे, एच का नंबर कौन सा होगा, दोस्तों अगर हम एच के ऊपर ऐसा ऐसा कर दें तो ये किसका शेप ले रहा है, 8 का ले रहा है ना, तो दोस्तों इसका नंबर हो गया 8। दोस्तों, आप बस इनको इमेजिन करते जाना, क्योंकि अगर आप इनको इमेजिन करोगे ना तो आपको ये बहुत ही अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखते हैं आई, आई कैसा दिख रहा है, अगर हम आई के ऊपर कुछ ऐसा कर दें तो ये किसका शेप ले लिया इसने, 9 जैसा दिख रहा है ना, दिख रहा है ना, बस आप इन लेटर के इमेजिन करके रखना, तो आपको ये बहुत जल्दी याद होंगे। जैसे ही आप किसी लेटर को देखोगे तुरंत आपके दिमाग में आ जाएगा कि इसको ऐसा करने पर ये नंबर आ रहा था, तो आप लोग इसको इजीली याद रख पाओगे। ठीक है, तो ये 9 जैसा शेप ले रहा है, 9 है ना, आई का नंबर 9 हो गया। ठीक, अब आगे जे, जे का कौन सा होगा, तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो इजोटी में ई जे, जे का नंबर 10 है, तो जे का हो गया आपका 10। अब आ गई बारी आपकी के की, तो के का नंबर कौन सा होगा, तो दोस्तों के को हम कैसे लिखें, अगर हम के को ऐसा लिख दें, इसमें आप लोग देख सकते हो, अगर हम इसको ऐसा कर दें तो इसमें 2 डंडे दिख रहे हैं, इसे ऐसे दिख रहे हैं ना के की, तो के का नंबर हो गया आपका 11।
तो दोस्तों आपको के को इमेजिन करना है, के का कैसा होता है, इसमें ऐसा एक डंडा और एक ये तिरछी डंडा को सीधा कर दे तो एक और एक 11 हो गए ना, इसका 11। अब एल, एल को आप कैसे रखोगे? तो दोस्तों एल को याद रखने का सबसे सिंपल ट्रिक है क्या, 12। अब 12 शब्द बोलो, इसमें सबसे ज़्यादा फोकस किस चीज़ पे जा रहा है, एल पे जा रहा है ना, बोलो 12। सबसे ज़्यादा फोकस एल पे जा रहा है, 12 एल आ रहा है ना इसमें, तो इसमें 12 एल का नंबर 12। अब एम की बारी, तो दोस्तों अब इसको कैसे याद रखोगे? दोस्तों इस एम की शेप कैसी दिख रही है आपको, इस तीन जैसी नहीं दिख रही है, इसको अगर हम ऐसा लिख दें, इसे एम को तिरछा कर दें, तो ये तीन बन रहा है, बन रहा है ना, लेकिन तीन तो नंबर होता नहीं है, तीन तो होता है सी का, तो इसको एक नंबर इसके आगे बढ़ा दो, ये हो गया 13, हो गया ना एम का 13। जैसे ही आपके सामने एम आप तुरंत याद कर लेना, अगर एम को हम उल्टा कर दें, तिरछा कर दें, तो ये तीन बन रहा है, और तीन तो होता है सी का, लेकिन एक बढ़ा दें इसके आगे एक डंडा, तो ये हो गया आपका 13। इसको अच्छे से लिख देते हैं, ठीक है ना, ये हो गया आपका 13। अब ये एन की बारी, एन को आप कैसे याद रखोगे? एन, एन को रखने के लिए दोस्तों आपको एन का होता है दोस्तों 14 नंबर, ठीक है, एन आपको 14 याद रख लेना है, ठीक है, एन 14 है, क्योंकि एम के बाद एन ही आता है, एम का होता है 13, तो जाहिर सी बात एन का हो जाएगा आपका 14 नंबर। अब ओ की बात करते हैं, ओ आप कैसे याद रखोगे, ठीक है, ओ यहाँ पर देख सकते हो ई जोटी में, ई जे ओ तीसरे नंबर, यानी कि 5, 10, 5 या 15, तो आप ओ को 15 लिख सकते हो, ओ का नंबर हो गया आपका 15, ठीक है। अब ये पी, पी को कैसे याद रखो दोस्तों, जैसे ही आपके सामने पी आ जाए तो इस पी को उलट कर रख दो, ऐसा पी बना दो आप, तो ये कैसा शेप ले रहा, 6 का ले रहा है ना, अब 6 नंबर होता है एफ का, एफ तो एफ मतलब 6 तो होगा नहीं, तो इसके अंदर एक बढ़ा दो, यानी कि 6 से सीधा 10 बार कर दो, यानी 16 नंबर हो गया ना, पी का 16 हो गया। तो दोस्तों अब बारी आई आपकी क्यू की, आप इस क्यू को कैसे याद रखोगे? तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकती हो, यहाँ पर ये शेप कैसी ले रहा है, ये इधर क्यू में ये जो है इसके नीचे लगा दो, तो ये 7 जैसी शेप ले रहा है, ले रहा है ना, जैसे क्यू में है इसमें ये 7 जैसी शेप ले रहा है, तो ये 7 लिख दो यहाँ पर, 7 तो होता है दोस्तों जी का, तो जी तो होगा नहीं है, 7 तो होगा नहीं, तो एक नंबर आगे बढ़ा दो, 17 नंबर, ठीक है, क्यू का हो गया 17। अब आर, तो दोस्तों यहाँ पे आर जैसा आपको दिख रहा है, जैसे आपको कभी आर दिख जाए तो आप क्या करो, ये जो आर है इसके नीचे ऐसा कर दो, तो दोस्तों ये कैसा दिख रहा है शेप, आर जैसा शेप दिख रहा है ना, दिख रहा है ना आर जैसा शेप, तो दोस्तों लिख दो आर, लेकिन 8 नंबर तो एच का होता है, एच तो होगा नहीं, इसका मतलब इसके आगे एक लगा दो, 18 नंबर, आर का हो गया 18 नंबर, ठीक है, तो आर का 18। अब भाई आई एस की, एस को आप कैसे याद रखोगे? तो दोस्तों यहाँ पर आप तो सीधा देख सकते हो, इसमें अगर हम इसको ऐसा कर दें तो ये कैसा शेप ले ली इसने, 9 की शेप ले ली ना 9 की शेप, तो दोस्तों 9 तो नंबर होता है आई का, तो आई होगा नहीं, तो आई होगा नहीं, तो इसके आगे एक लगा दो, ये हो गया 19, ठीक है, एस का नंबर हो गया आपका 19। दोस्तों जैसे ही आपके ये लेटर आ जाए, आपको बस इनको इमेजिन करना है, जैसे ही आप इनको इमेजिन करोगे दोस्तों इनके नंबर आपको दिख जाएंगे, मतलब आपको पता चल जाएगा ये जो वर्ड लेटर ये किस नंबर का है, एस 19। अब टी, टी को आप कैसे याद रखोगे? टी को आप याद रखोगे T20, क्योंकि आप T20 तो देखते होगे, बहुत ईजीली याद हो जाएगा T20। दोस्तों इसका टी का नंबर हो गया 20, इसको T20 से आप लोग याद रख सकते हो। अब बारी आई आपकी यू की, यू की कैसे याद रखोगे? दोस्तों एक शब्द बहुत ही फेमस है, अंडर 21। जैसे ही आपके सामने यू आ जाए तो आपको याद रखना है यू, यानी कि अंडर 21, हो गया ना, जैसे यू आए तो हो गया आपका अंडर 21, तो इसका नंबर लिख दो 21, ठीक है, यू से अंडर 21 हो गया 21 नंबर 21, ठीक है। अब वी की बारी, अब वी को कैसे याद रखोगे? दोस्तों इसमें वी में देख सकते हो आप लोग, इसमें दो डंडे हैं, है ना, दो डंडे हैं वी में, तो दोस्तों इसको हम दो डंडे हैं, तो इनको हम दो बार दो दो करके लिख देते हैं, यानी कि 22, वी का नंबर 22। वी को आप ऐसे ही याद रख सकते हो कि वी में दो डंडे हैं, और इन दो डंडों को दो दो बार लिख दो, 2, 2, 22। अब ये W का आप शेप देख सकते हो, अगर हम W को ऐसा घुमा के लिख दें, ये W, तो ये तीन जैसी शेप ले ली ना इसने, तीन जैसी शेप, लेकिन तीन तो नंबर होता नहीं है, तीन तो होता है सी का। अब सी, अब दोस्तों 13 भी नहीं होगा, क्योंकि 13 नंबर होता है M का, होता है ना 13 नंबर M का, तो अब इसका आगे 2 बढ़ा दूँ, जैसे कि अभी यहाँ पर लिखा था कि M
एम का तीन होता है तो तीन तो सी का होगा नहीं, तो इसलिए हमने एक बढ़ा दिया था। इसी तरह अब यहाँ पर डब्लू डब्लू का शेप आपको तीन जैसा दिखाई दे रहा है, हमने तीन लिख दिए। अब देखेंगे यहाँ पर तीन तो होगा नहीं क्योंकि वो सी का होता है, वो तेरह भी नहीं होगा क्योंकि तेरह नंबर होता है एम का, तो यहाँ पर आपको दो बढ़ा दूंगा, 23 नंबर। ठीक है, ये आपका हो गया डब्लू का 23 नंबर। अब देख तो देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर x। अब इस x को कैसे आप याद रखोगे, तो दोस्तों x को याद रखने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है, जैसे कि ये x लिखा हुआ है, x के आगे हम ऐसा ये एक डंडा और लगा दें, तो ये आपको कैसा दिख रहा है, चार जैसा दिख रहा है ना, इसकी शेप आपको चार जैसी दिख रही है। तो दोस्तों अगर इसको घुमा के रखें, चार जैसी शेप दिख रही है ना, तो इसको हम लिख देते हैं चार, और चार नंबर होता है दोस्तों डी का, ठीक है, और चौदह भी नहीं होगा क्योंकि ये होता है एल का नंबर, तो यहाँ पे हम दो बढ़ा देते हैं, ये आ गया आपका 24, ये देख सकते हो। ठीक है, अब बारी आई आपकी वाई की, वाई को कैसे याद रखोगे, तो दोस्तों यहाँ पर आ जाओ, ये आपका वाई, वाई यानी कि आपका नंबर है 25, है ना, वाई का नंबर 25, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 25, और ये जेड का नंबर 26 है ही। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग इन 26 लेटर के नंबर को याद रख सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको एक बार में याद नहीं होती है, तो आप लोग दोबारा वीडियो को देख लीजिए, आपको दूसरी बार में पक्का याद हो जाएगा। अगर फिर भी अगर दोबारा वीडियो नहीं देखनी है, तो आप लोग कॉपी पर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो दोस्तों आप जब प्रैक्टिस करोगे एक दो बार, तो आपको ये वर्ड इजीली याद हो जाएंगे, बस इनको इमेजिन करना है और आप इन लेटर के नंबर को याद रख सकते हो। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी, अगर पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना, जिससे कि ऐसी ही और क्लास आप लोगों तक पहुँच सके। तो और दोस्तों अगर आप लोग मैथ के ऊपर क्लास चाहते हो कि हम आपके लिए डेली की डेली मैथ की क्लास लेकर आएँ, और वो भी एकदम बेसिक लेवल के साथ, तो दोस्तों कमेंट करना। और ये वीडियो आपको कैसी लगी, तो दोस्तों अगर अच्छी लगी हो तो अच्छा प्यारा सा कमेंट कर देना, अगर कोई गड़बड़ी लगी हो तो उसके बारे में बताना, जिससे कि मुझे पता चल सके मैंने क्या गलत किया है, उसको मैं सुधारूँ। ठीक है।